अच्छा बाबू जी, हम गायक अमरजीत मोर, ग्राम चोरपा खुर्द पोस्ट हसनी जिला मऊ, ये नयकवा गीत आप लोग के बीच में भेज रहा हूँ। जैसे में बड़ी पुरान गीत है जिसको पहले के लोग बहुत धूमधाम से गाते थे, आज के ज़माने में उस वो गीत जो बाकी लुप्त होने जा रही है, जिस गीत को आपके बीच में मैंने उजागर करने का काम कर रहा हूँ। आप लोग, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग प्यार दुलार हमको देंगे। नयकवा गीत कैसे? अरे छोटे मुँह का गौआ एक जेमे तपल बिसुनी साहू बिसुनी कर हला भैया दुई जेठरा का नायक रहले अरे छोटा काका नमवा रहे चतुरी बुद्धि ओ नायक का हो गैल रहे भी अरे अब हिल चतुरी रहला बारा वाकुआ नहीं भइल रहला भी। तनी सा बाबू बात के समझी, छोटे मुकी नगर है, नगर का नाम बास्टी हो, बाँ जी का रहे वाला विष्णु नाम का सौकारा है, भगवान ओकर जमाना में बाबू दू को संतान दिले हमें, जेठरा का नाम नायक, छोटका का नाम नायक, का ब्याह बाबू जी लेकिन चतुरी का ब्याह है बहिन। इतना ही ना ये बाबू, विष्णु साहब अपने जमाने का बहुत चलता पुर्जा का मर्द है, भगवान ओकर जमाना में धन बल बुद्धि सबको दिले हमें। इतना ही ना ये बाबू, विष्णु साहब के जमाना में 1600 वर्धी रहली मोरंग का बाबू कारोबार होके, जौन में 1200 वर्धी पर नायक धनिया तेजपाल लौंगला चिलात के और मोरंग का पतरकी डहर 400 वर्धी दरवाजे पर छोड़ दिया, लेकिन भैल का ये जई का बतिया छोड़ी दा ये ही आ तनी अब सुंदर गढ़ का सुन लो आ सुंदर गढ़ में तपल हल हीरा आऊनहू का बाजल रहे सुंदर आऊनहू के भगवान दिले रहला धनवा आ बहुते चलता पुरुजा कर रहे। तनिषा बाबू जी कहानी के समझी, और सुंदरगढ़ शहर में हीरामणी नाम का सौकारा, ओहू के भगवान धन बल बुद्धि देले हमें, लेकिन वो करे को मुनीब रहे जिनका नाम दीपचंद बतावल जाला। एक बार दीपचंद हीरामणि से कालस की मालिक तू विष्णु के बार बार सराहेला, अब ही सूरत होकर हम मुनीबे कलस की मालिक एक बार विष्णु सेठ के अपनी शहर में बुलावा, ताकि हम सूरत उनका हीरामणि बाबू विष्णु साहब के बुलावे खातिर के बड़ा प्रयास कैले, आ हर विष्णु सौदा लेके सुंदरगढ़ में चल गयल। लेकिन यार मुनीब से भेंट हो थिया और मुनीब विष्णु साहब के बाबू जौन बा की चुतिया बनावता, धोखाधड़ी वाला काम करता, बातें बात जो कि डेढ़ा पर सौदा बयाना दे दी हलस हीरामणि के पास गेल कलश की मालिक। विष्णु साहब का जो सराहना करते रहला उतर सरवा सतुआ के महंग बा, हीरामणि कले कैसे रे तो बतावे लगल। पहले पहले अना सुंदर उनके हमहू छुआ देली बिचली, हीरामणि कहले की बिचली अंगुरिया का मतलब था कालस की मालिक सौदा लेके आई आयल हमें विष्णु साहब आ मैं सौदा जेढ़ा पर। हीरामणि ये बात के सुन के बाबू कहीं खुशी का ठिकाना कहले की शाबाश मुनीब शाबाश, आज ले 500 रुपया तनख्वाह दिया ले। लेकिन ये चलाकी की बड़े बदौलत तो 1000 रुपया तनख्वाह दिया, अब बोरा काटा उठा चल के संगी कमाल, यार बोरा काटा उठावत हमें ओनी विष्णु साहब तमू में से निकल के बाजार में घूम के भाव का पता लगा, तब बाजार बाबू डबल है। विष्णु साहब का पारे हाथ देके तुम्हें बैठ के जंका था और सोचा था कि खूब मोनी चुतिया हमके आ तबले भैल का। अरे वो तने में लेके आ गइल बोरा वास काटा
हंसी के जो दीप चल कर जा ताई अब सोचत हुआ मनावा सगरो साऊ दवा हमके दे काहे कि लेके रे आ गइल बोरावा आ तनिया बतिया सुनला भी सुनी आ देहिया जरिया मर के भइले आ एड़िया का यार बड़े चुरुकिया आ बाकी तनिया गवा का भैया अरे बाप रे बाप बिश्नोई साहब ये बात के सुन के बाबू कहीं गुस्सा के ठिकाना लेकिन फिर भी बिश्नोई साहब अपनी गुस्सा के दबाव तब और दबर के जाके दीप्तन का हाथ जोड़ ले आ कहले कि मुनीब एक बात सुन मर्द हई हार गए नहीं बात सौदा दे लेकिन कान पकड़ ले बघेला ऐसा गलती का कोनो व्यापारी के साथ में काहे कि अब्बर दुब्बर बिरादरी हो तो बोरा बदना होकर मने मने मुनीब सोचे कि चाहे कान पकड़े के पड़ल चाहे कुछ पकड़े के पड़ल 500 से 1000 रुपया तनखा तो हो गई यार भइल का अरे काटावा अरे काटावा झूलिया गइल ता मुआवा आ जतन सौदावा रहे वही सब अब तौल रे हो गई तमुआ आ खाली अब बाकी रहे हरवा भैया भैया जितना सौदा रहे तौल हो गई बाकी का रहे हिसाब होके लगले बाबू पिछली साहब फिर दोबारा दीप्तन का हाथ जोड़ ले कहले कि मुनीब के मने एक बात सुन हाई जितना घटा लगवले है बर्दाश्त करते लेकिन तुर हाथ जोड़त हई कितन हिसाब ठीक से हमार कहे कि हमार खानदान ये कहु अच्छर कोनो पढ़ले ना लेकिन एगो बेटा है जकर नाम वो करीब ओके पढ़वला में कई गांव का इलाका बिका गई आ ओकरी जोड़ला से अगर हिसाब गड़बड़ हो गई तहे जितना सार घाटा लगवले अब ओकर बदला लेके तो से कल कर हीरा मणि जब तनी बात सुनले कहले कि मुनीब बड़ा लमहर गाल मारत रे कैसन बेटवा कि कोई गांव का परापटिए बेच देले तनी जान के हिसाब गड़बड़ कर दे मुनीब हिसाब करते में बाबू हिसाब गड़बड़ कर दिया आ का गड़बड़ कैलस कि हिसाब बाबा करता भैया आ चोरावे एकदा एक दमरी हिसाब में गायब कैलस आ कालस की चाचा है तोरी हिसाब का कागज है आई रुपया पैसा तू अपने घरे हमनी का विष्णु सा प्रेमियों बात के ना समझले का कैले अरे खाली खाली बोरा बाप अब फेके बैलन के ऊपर घर का डहरिया धैले ए बाबू विष्णु सा व्यापार करके घरे जात है लेकिन अक्सर बनियन का चाल है वही का बनिया सौदा लेके या दे के जब घर का डहर पकड़ी है तो दोनों हाथ वही चुतर पर अंगुरियावे लगी है 100 रुपया दी हुई 1 किलो हरदी ली हुई 200 रुपया दी हुई 1 किलो सुरती ली हुई और दमरिया का भल दादा गौर करे बाबू वो चतुरी के कौन चलावे बिस्नी डहरिये में दमरिया के पकड़ लिया पकड़ लेने दमरी पसेना छटके लगल बिस्नी साहब मने मने सोचे कि बारे मुनीब बा बड़ा मुनीब देखने की दीपचन की कहो सला कितना घटा मनस बर्दाश्त की नहीं दूसरे में ओकर हाथ जोड़ी लेकिन हाथों जो लगला बिस्नी साहब कहे अरे व्यापारी आई बर्दी लेके जाओ घरे ओनहुआ घर उठौआ काम जल्दी होला ना व्यापारी प्रेमियों बात के ना समझले घर का डहर पकड़ लिया अब बिष्णु सालवट के सुंदरगढ़ में जाते देखे का कि दीपचन वो चाय की दुकान पर चाय पिया था और अपनी साथिन से बहस तक है ना जान थोलो हमार 500 से 1000 रुपया तनखा हो वही बीच में बिष्णु साहब पहुंचले और दीपचन के देख के अरे बिसुनी अरे बिसुनी या जिहादी ना दीपचन का देखा ला औरिया यगिया ला गई जहिया आ हली हली गोड़ा बसे अपनी काढ़े आ जूतबा ले कर पहुँचे दीपचन आ नाही उल
से भैया कैले चारा जूता मारी रे दिहले कपड़ा दुई दुई जूता बारे मार दे गलवा लाखन गरिया दिहला वही बेरिया के बेरिया रे साला जोड़वी हथवा का लजिया न रखुए तमुआ साला का है के हमरो चोर वाले ये कर भेदवा बता दे यही नहीं तो मारी के ठटरी से काढ़ा भैया भैया खेला बिगड़ गई। बिश्नोई साहब पहुंच के दीपचंद के राम सत जवाब ना कर दे चार जूता का पाप दो जूता हजार गाड़ी देके कले करे साला तोर हाथ जोड़ ली उतना रकम पर जलवा के हाथ मरले बर्दाश्त कई नहीं इकाए के तमरी छोड़ वाले है दीपचंद नाम के मुनि बाबू ठकुआ गई। आज की जमाना का जूता चप्पल देखते हो 500 के बाल की गारंटी एको दिन का ना। अब पहले की जमाना का जूता चप्पल है निचवा लोहे का फुलिया लगावल है आज जब बेचारा की कपार पर चार जूता लगल बा ललका पानी चल दिया लग। लेकिन दीपचंद बाबू बिश्नोई का जवाब का कैले अरे दीपचंद रोवत धैला घर काडा चलावत गईला वही जा जहाँ हीरा मानी बैठा हीरा मानी जिह दिन देखे दीपचंद से करेला जा। अरे बाप रे बाप हीरा मानी वो दीपचंद के बाबू लोहू लोहान कपार देख के गुस्सा का कहीं ठिकाना ना। हीरा मानी कहने की दीपचंद के कर माई बेटवा भी आई लिया कि तोरे ऊपर हाथ के उठा दिया लस। दीपचंद बाबू रो के कलश की मालिक जेकर दमरी खाता में चुरौली ओकर मालिक शहर में और राम से सरवा जवाब ला कैले सर चार जूता कपा पर दू जूता यही। हीरा मने जब बात के सुनस बाबू पाँव के तले के जमीन घिसिक गई शौकार मने मने सोचे की बार बिश्नोई बा ये तना हिम्मत हमारी मुरीब के जूता से मरला आ जूता से मार के देश में जाई फेरी मोज पड़ताल। हीरा मनी बाबू दोबारा सोच गई कि उ मुरीब के ना मरलस बल्कि हमके मरलस मार के जवान देश में जाई फेरी मोज पड़ताल आ कही की हीरा मनी की मुरीब के जूता से मरले। हीरा मनी सोच गया अगर बात को विचार ना करते तो फिर मर्द की घरे जन्म। हीरा मनी ये बात के जान के बर्दाश्त ना कैलस अपने बेटवा परमजोत के बोलावलस आ कहलस की बेटा यही नाते से बाप बेटा के पाल पोस के सहन करेला कि बेटा एक दिन बाप की आज बेटा काम परल है एक काम कर कि अपने साथ में दो चार गो साथिन के ले ले और वो साथी ले लेके शहर में जो कि जहाँ बिश्नोई से आ तू ही बेटा उनसे जवाब एगो काम करी है कि अरे जेतना जो मारल सपरी वो ही अब जगा वो तना जो मरी आती हम अरे बीसु निकी ठटरी से कड़ी हाँ भले जाई घर सुनला लड़िका परमा अपनिया सथवा में दुई चार लिहल सथियन के लेकर गई सहरिया जहवा बैठल रहला बिश्नोई नाही उनसे भैया कैले जाई के ढाही रे जला धारतिया भैया लगले तुकर से मारे रे भैया लगले तबले झपटल बाटे लड़िका बिश्नोई के जबरिया देवे लगल घाटी उनकी ठटरी से भैया चढ़ले लसिया लेके गई ना वही जहवा बैठल रहला हीरा का भैया।
अरे बाप रे बाप, बिश्नु साहब को जबरदस्ती जान से मार के और लिया के हीरामणि के सामने लाश। हीरामणि वो बिश्नु की लाश के देखले भाई बाबू, गुस्सा का कहीं ठिकाना ना। फिर भी कंस की बेटा ताक मत, उठा ले लाश के और लाश के उठा के बरगद की डाल पटांग दे। ये लाश की कर्तव्य साला की खानदान का जोर देखा। पांचों साथी लाश के उठा के बाबू बरगद की डाल पटांग जो नबा की टांग दे। और हीरामणि अपने गुस्सा के बर्दाश्त ना कर, वो कागज कलम उठा ले बा, अब पाती में लिखा था कि अरे जा सर का ठटरिया और बरगद दबा पटांग लगाए। करिया सिंह राजा बादे ले रहे वही तर भी सुनी का टांगली ठटरिया भैया। हीरा मन सहुआ बात दिल रहे टांगावा। हाथावा में कागज तालमिया उठवले भैया। आरी आरी लिखरे दिला वही पर श्री नाम। नीचा में जो माई बहन के कसम धरारे दिहले। जेई अब बिश्नु लसिया देई रे उतार। जेई अब गंगा जी पर कर दी है दगदबा भैया। कमवा किरियावा के देई रे कराया। धारमा जो जन्मल हुए हमारो लड़किया भैया। वो करिया संगमा करबो बबुली का बियाह। गजब हो गए बाबू, जिद्दा जिद्दा में खेला बिगड़ गई। बिश्नु साहब कागज हीरामणि कागज कलम उठा के सब लिखत बा के जय बिश्नु की कुल खानदान में होई। उनकी माई बहन बेटी के तिलाक रही। जय बिश्नु की लाश बरगद की डाल से उतार दई। गंगा पदार्थ करवा के चूल्हा चाके फेंकवा दई। ओकरी संग में अपनी बिटिया नागफनी के शादी। नीचे लिख दिया हीरामणि पाती के लिख के बाबू बात के बर्दाश्त ना कैलस। नाव के बुलावले बा आ कलश के नाव या चिट्ठी के पकड़ ले और बासनी में चल जो। आ जय बिश्नु की खानदान में बचल होई उनके ले जाके चिट्ठी तू हमार। नाव बाबू डरन लाजन चिट्ठी पकड़ लिया और चिट्ठी लेके बासनी में जाए लगल। लेकिन भैल का अरे चिट्ठिया के आले के रे नौवा। अरे बासा डीहा में गईले तनी सा बाबू बात के समझी। नाऊ चिट्ठी लेके बासडी में गईल बा। बिश्नु साहब द्वार पर जाके ए बाबू बिश्नु बिश्नु कह के पुकार ले बा। लेकिन बारे भगवान नाऊ जोला समय गईल बा। मर्दाना एको घरे रहे के बिश्नु साहब का पतो बारी जसमत नायक का दुल्हन। आवाज सुन ले बा आयल घर से बाहर देखत बा के एक आदमी द्वार पर खड़ा बा। दुल्हन बड़ा प्यार से कहलस कहावता हउवे भैया धारावा हो दुआरा। नायक का दुल्हन बिश्नु साहब का पतोई वो नाऊ सकलस की भैया कहाँ घर द्वार बा। अब कैसे तू घरे हमारी प्यार से नाऊ कलस की दुल्हन सबसे काम ना बा। पहले तू बता कहाँ तोरा हुआ ये दुल्हन घरा कहो मारा दावा। भारी जसमत नाम का दुल्हन कलश की भैया मर्दाना एको घरे नौवा कले कहाँ गई हमें। दुल्हन बतावे लगल कि भैया
पति हमार मोरन गई है, ससुर हमार सुंदरगढ़ में गई है। अक्षर भैया हम घरे हैं, कोनो बात हो के बतावा, अनाही मर्दे से काम बा। गौवा अरे गौवा की बाहर भैया लीला ही वही जाता देवारा बाहा, अरे जाके उनसे ताला भैया भेटिया। ये तनी जो बतिया नौआ सुन, अरे नौआ भागल जाला लिलही हुए चतुरी, जाके नौआ चतुरी का कैलाश। भैया भैया नाऊ जाके चतुरी के सलामी दे गौले बा। चतुरी जन बा के बड़ा प्यार से गोदाम में वो नाऊ को बैठावत बा, जल जल पानी करावत बा। प्यार से पूछल की भैया कहाँ घर द्वार बा, कैसे गोदाम में तू नाऊ। बड़ा प्यार से कल्स की भैया घर द्वार से का मतलब बा, बल्कि यही चिट्ठी के यही चिट्ठी में हर एक बात हर एक समाचार। वो चतुरी ने बाबू नाऊ के हाथ से चिट्ठी पकड़ लिया, आज यही नाऊ चिट्ठी देता ते ही कहता कि अच्छा तो भैया अब हम जाए। नौवा सोचे कि दादा हो दादा, ओनिया बिशुनी के टंगला तो पढ़ला की बात हमके मत टांग दस। केतनो चतुरी रोकलस बाबू, लेकिन नाऊ के पैर गोदाम में भाग चला। लेकिन चतुरी बाबू सोच गए कि हे मन अनजान न जाने तू कहाँ का रहल, आ न जाने कैसन हमके खोल के चिट्ठी पढ़त बा लिखल बा। आरी या तयारी या भैया लिखल सिरी नीचावा जो गार हुआ ओ कारी जो नीचावा लिखल बापा कमीरी तिया दे। अरे देखत मेरी तिया रे गिरल धारतिया आ बतिशो दतवारे लागल चतुरी आ भरा धरिया पर भैया भैले आ तहिया झर झर रोवे चतुरी आ रोई रोई मनवा में अपनी तोरे भैया। लड़का अपनी बाप की मौत के देख के बाबू बर्दाश्त ना कैलस, भुकर भुकर के रोवे लड़का रोवे कर जवाब फार। रो रो के सोचे कि बाप रे बाप आज बाबूजी हमार दुनिया के चूअर बना दी हले। लेकिन लड़का फिर वो चिट्ठी के पलट के पढ़े, साफ लिखल बा कि जय बिश्नोई की कुल खानदान में हुई, उनकी माई बहन बेटी के तिलक रही, जय बिश्नोई की लाश बरगद की डाल से उतार दे, गंगा पतन करवा के चूल्हा चाके पकवा दे, ओकरी संगे बिटिया नागफनी के शादी। नीचे लिखल बा हीरा मणि, जवान सोच गया कि बाप रे बाप बाबूजी मरल हमार मुआवल हमें, अब मारे वाला हीरा मणि बारे हीरा मणि। एक तो साला बाप के मार के बरगद की डाल पटांग दिया, दूसरे में खानदान के चैलेंज दे दिया, तीसरी बात के जान के पटा जाते हैं। तब बाप का बदला लेवे के मौका लड़का बाबू ले रही गोदाम में कसम खादबा के हे धरती माता तू सुना और ऊपर भगवान तू सुना, जितर हीरा मणि का कसम है उतर हमार कसम है। कि अरे या साले बापावा की बुनवा होई है, आ सच अब माई की कोखिया होई है, आ जबले बाबू रजी का उतरबो, आ जबले गंगा बना हम करबो, आ तबले हीरा की धिया वस करबो, आ तबले ना ही रखई बो दलवा, बचवा काटल काटल खाला। भैया भैया लड़का कसम ले लिया कि लाश के ना उतारब गंगा पतगंज ना करब, जौले हीरा मणि की बेटी से ब्याह ना करब तब तक ले हम धाना पानी। गजब हो गई बाबूजी, लड़का कसम खा के मन में बात ले ले बा। शाम की पहर घरे गई भौजाई दाना पानी देत बा ए बाबू
लेकिन वो बच्चा दाना पानी नहीं खा। भौजाई कितनो मनावे जुनावे, लड़का बल्कि झूठ बोले कि भौजी ये दाना पानी के हटा दे, हम दाना पानी ना खाई। काहे कि रात की दिन की बेला में सपना देख लिया कि भैया से हमसे साथ, हम मुआला के सपना देखला के बाद भौजी कसम खा लिया कि भैया के जल ना देखो तुले दाना पानी। भौजाई कितनो समझाए बाबू, गाँव को लोग कितनो समझावे, लड़का केहू की बात के ना माने। समय बीतत गई बाबू, कल्ले कल्ले जलबा की नायक मोरंग से लौटान कर दिया। नायक मोरंग से लौटान के जनबा घरे आ गई, गबर के चतुरी जाके भाई की पैर के पकड़ ले बा। भाई डांट दी हलस, कालस की भाई यू पाओ मत छू, पहले तवन बात बता दे कि काहे खतन के दाना पानी छोड़ दिया। चतुरी कहले भैया केहू को दोष ना, सगरो दोष समार हा। एक समय के बाद बाबा भैया की जो की गोदाम में सुतल रही तुहरे सपना देखनी कि हमसे तो से साथ, और सपना देखते ही भैया बात बर्दाश्त ना भली, कसम खा लिया कि भैया के ना देखो तोले दाना पानी। तो भैया तो के भर नयन हम, अब सपना हमार खत्म हो गई। भौजी के हुकुम दा भौजी बनावे खाना, आ खाना अब हम ना। नायक बाबू अपनी भाई के डांट रहा था, कहते करे पगला इतना बड़ी यार गलती कर दिया ले, कान पकड़ फिर गलती मत करिए। और बहु वो दुल्हन के हुकुम देत बा कि पगली खाना बना, दुल्हन खाना बनावलस। दोनों भाई के कहत बा कि चल के भोजन, चतुरी कल की भैया चला चल जा, नायक कल की ना पहले तू भोजन करे जो बाद में भोजन करे। लेकिन बाबूजी भैल का वो चतुरी भोजन करे चल दिया, लेकिन कैसे। अरे या गवा ता या गवा जाले बारी जा सा पछवा से लछा ना दे। भौजाई वो देवर के घर में ले गए बाबू, चंदन के पिड़ही दे ले बा, थाली के भोजन लिया के दे ले बा, आ कलश के बुआ खाना के, लड़का बाबू खाना के देख के सोच गए कि हे प्रभु ई तवने दाना पानी है कि जो दाना पानी का हराम बोल ले, अगर खा ले थे तो कसम हमार। लड़का ये बात के बाबू जान के बर्दाश्त ना कैल, बल्कि थाली के उठा के अंगना में और सुंदर की चिट्ठी के निकाल के भौजाई के ऊपर फेंकलस, आ कहलस कि भौजी अरे नाही, अरे नाही या भौजी या भैया का देखली आया सलिया बतिया रे लिखल हवे पतिया आ दुलहिन लपकी के भैया उठावली आ पतिया बाचे रे लागल बरिया आ यरिया यरिया लिखल रहे आ नीचवा लिखल ससुरा कर रहे आ जिहदिन बरिया रे ससुरा का देखला आ रोएर लगली फरी के आ रोई रोई मनवा में अपनी करे आ जा हमर मोरिया गईले ससुरा आ बकितनी या गवा का भैया 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 रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नियर होले और गायकी गायकी नियर होले। कहानी पर बाबू गौर करी हा, दुल्हन वो चिट्ठी के पाके भोकरी के रोवे लगल, जान गल कि हमारी ससुर को मौत हो गई। ससुर की वियोग में दुल्हन भोकरी के रोवत बा और रोवत चिट्ठी बंगला में लेके गईल कि जहाँ नायक बैठल बा, नायक के ऊपर दुल्हन पाती फेंकले बा और अपने भोकरी के रोवे लगल। नायक के बाबू नजर पड़ गए चिट्ठी पर, उठा के चिट्ठी पड़त बा आरी आरी श्री नाम बीच में गरु गमीर ओकरी नीचे बाप की मौत। बाप की मौत के देख के भी नायक भी बाबू भोकर भोकर के रोवे लगा, लेकिन रो के जब नायक अपनी करेजा के मजबूत कैला दोबारा चिट्ठी पढ़े लिखल बा कि जे विष्णु की कुल खानदान में होई। भैया भैया उहर दुल्हन जोन बा कि अपने पति के पास चिट्ठी ले गई बा, सारी बात बतौले बा। नायक को चिट्ठी के पा के बाबू जान गए कि बाप का मौत हो गई, उहो भुकर के रोवत बा, लेकिन दुल्हन के भी समझावत है, कहल कि दुल्हन मत रो, रोला से कुछ ना होला, जेकर जहाँ लिखल है तहाँ जाके बाबू जी के सुंदरगढ़ में लिखल सुंदरगढ़ में एमा केहू को दोष ना। आज ना बेहे पंडित जी के बुलावल जाए, बढ़िया दिन दिखावल जाए, पिसान का पुतला बना के गंगा जी की तीरे दगत कर दिया जाए, बढ़िया दिन देख के काम करिया। दुल्हन कल्स की पति बस बस, नायक कल्स की का दुल्हन कल्स की पति हमके लगत है ना, असलियत में तोरी फरक बा, कलग मतलब दुल्हन कल्स की हमके लगत है पति दुगला है, असल रहते ये कुल बात ना कहते। नायक के बात के सुन के बाबू बात के बर्दाश्त न के कोड़ा उठा के बरहू दुल्हन के चार कोड़ा, कहले कि साली होश में ना बोलू, जोनों में कले तोनों बोल देलू, हम दुगला है दुल्हन के पति दुगला ना तेगला, लाज ना लागत है।
तवने बाप का बेटा हमर देवर ये चिट्ठी के बाप के 12 बरस के समय बिता लेगा। आ तोने बाप का बेटा तूरे पगला ये को घरी ना बिचल पिसान के पुतला बनावत तवे दोबारा नायक मरे कुड़ा उठो ले बा मरले बा बहु समय आया कले की सुंदर की बात के छोड़ सुंदरगढ़ के हमहन की बस का बात ना कि वो चल के लोहा के जीतल जाई हार मान के दुल्हन के मने कलश की पति हमारी बात के ना मानते बना तो हमार बात सुन। अरे असल कहो खा तलेला साड़ी या सालू का कहता हमारो जो चुड़िया ले बा अरे दुल्ही ना जो बन के बैठा घरावा असले का हो खत देगा आशा ले जो बापा वाका होई सच माई को खियावा अरे जबले ससुरा का हम न उतरबो जबले गंग अपना हम करबो तबले नाही रखैबो दनवा आ जबले देवरा कना कर छदिया आ जब देवरा निया उतार ले घरवा आ तबे हम हुआ खैबो दनवा आ बकितन यगवा का भैया सुनवा।